खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। तलिन, सत्ता हासिल करने के लिए भोली भाली जनता को कई तरह के लुभावने वादे करके सत्ता तो हासिल कर लेते हैं, फिर जनता से किए वादों को भूल जाते हैं। हर बार जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के बाद अपने आप को ठगा महसूस करती है। यह सिलसिला चलता ही आ रहा है। जब भी चुनाव आते हैं, गौ माता याद आती हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस। सत्ता पाने के लिए धर्म की आड़ लेकर सदियों से सत्ता हासिल करते आ रहे हैं। 15 वर्षों तक भाजपा ने गौ माता के नाम पर सत्ता सुख भोगा। उसी तर्ज पर इस बार कांग्रेस सरकार ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने एजेंडे में कई लुभावने वादे किए, जिसमें एक बिंदु यह भी था कि गांव-गांव में गौशाला का निर्माण करेंगे। इनके इस वादे से एक खुशी की किरण जागी थी कि वर्षों से दर दर भटकने वाली गौ माता को कुछ राहत मिलेगी, परंतु आज भी गौ माता भूखी प्यासी दर दर भटक रही है। आवारा की तरह जंगल में फसल का नुकसान करती है तो वहाँ से उनको भगाया जाता है। नगर के मुख्य चौराहों पर दर्जनों गायों के झुंड रास्ते में रोड पर बैठे रहते हैं, जिससे कई वाहन की चपेट में आ जाती हैं तो तड़प तड़प कर मर जाती हैं, पर कोई देखने वाला नहीं है। खबर समय जगत के लिए तलेन से मुकेश यादव की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज़।